हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम टू द उज्जैन सीरीज पार्ट टू। और आज के दिन हम एक्सप्लोर करने वाले उज्जैन के और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें से है हर सिद्धि माता का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, और कृष्ण और सुदामा की यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन सब जगहों के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं हर एक जगह के बारे में फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। महाकालेश्वर के मंदिर के दर्शन हो चुके थे तो हम चालू करते हैं वहीं से, होटल से। अभी दोपहर को आ चुके थे हम वापस होटल महाकालेश्वर के मंदिर के, मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं। दो तीन और मंदिर हैं जो कि बहुत फेमस है उज्जैन में, तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि हर सिद्धि मंदिर, बड़े गणेश जी मंदिर एंड दो तीन और मंदिर हैं। तो बस निकल रहे हैं और एक बार व्यू देख लीजिए यहाँ से। सो गाइस, हम आ चुके थे अभी गढ़ कालिका देवी मंदिर में, जो कि महाभारत के ज़माने का मंदिर है। बट इसको 7th सेंचुरी में राजा हर्षवर्धन ने रेनोवेट किया था। कहा जाता है कि ये टेंपल इतना पुराना है कि यहाँ पर कालिदास ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद वो एक जेम बने, वन ऑफ द 9 जेम्स जो होते हैं विक्रमादित्य कोर्ट के। एंड कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद उन्हें ज्ञान मिला, उससे पहले वो एक अनएजुकेटेड इंसान थे। सो ये मंदिर बहुत ही पुराना है और इसका वर्णन महाभारत के ज़माने के से किया जाता है, तो डेफिनेटली एक पौराणिक चीज़ है। लेकिन इसी के साथ साथ लोग यहाँ की ब्यूटी को ख़राब भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं जब बाहर गया परिदक्षिणा लेने के लिए तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये वॉल्स पे लोग अपना नाम लिख रहे हैं एंड बहुत मतलब अजीबोगरीब चीज़ें लिख के रखी है उन्होंने, एंड मतलब ये मंदिर की शोभा बिगाड़ रही है। दर्शन करने दे रहे हैं, दारू मिल जाएगा आपको, पर वो एक बाल्टी में निकाल लेंगे थोड़ा सा, बाकी आपको दे देंगे। डायरेक्ट पहले पिलाते थे ना, वो नहीं पिला। क्या रीजन है भैया? दारू हाँ, नहीं, क्या रीजन है? कोविड की वजह से बंद कर रखा है। अच्छा, जब से कोविड हुआ ना जब से बंद। हमारे यहाँ दारू यहाँ से लो या वहाँ से लो, दारू एक ही है, भाव एक ही, दारू बहुत महंगा है हमारे। सो गाइस, अभी हम आ चुके थे काल भैरव के मंदिर में, और कहा जाता है कि अगर आपने महाकालेश्वर के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका एक ज्योतिर्लिंग काउंट नहीं किया जाता। तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे आना था और हम यहाँ पे आ चुके थे। तो इसके साथ साथ हमने बाहर अपना प्रसाद लिया। प्रसाद में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप काल भैरव का प्रिय शराब ले लीजिए, या फिर नॉर्मल जो लड्डू वगैरह रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है, यंत्र वगैरह, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमने सब ले लिया और इसी के साथ साथ हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि आधी बोतल चढ़ा रहे थे एंड आधी अपने साथ लेके जा रहे थे एज अ प्रसाद, लेकिन हमने पूरी बोतल उन्हें दे दी क्योंकि हमें तो कोई काम नहीं था बोतल का, तो बेमतलब लेके जाके मतलब नहीं था। एंड यहाँ से मैंने मूर्ति का थोड़े से दर्शन भी करवा दिए क्योंकि बहुत सारा भीड़ थी, मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पाया। और ऑफकोर्स ये मंदिर थोड़ा सा बाहर है सिटी से, क्योंकि कहा जाता है काल भैरव आपको हर एक शक्तिपीठ में भी दिखेंगे, क्योंकि वो शक्तिपीठ एक माँ दुर्गा का प्रतीक होता है, तो वो माँ दुर्गा की रक्षा करने के लिए काल भैरव वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो या सो इसके बाद हम आ चुके थे मंगलनाथ मंदिर, और कहा जाता है कि मंगल ग्रह का निर्माण शिव जी के पसीने से हुआ था। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना मंगल ग्रह का दोष का निवारण करने के लिए आते हैं। सो ये मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे 9 ग्रहों का पूजा भी होती है ना। जब भी आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो बाहर एक आंटी होती है जो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगी अबाउट दिस मंदिर, एंड अंदर जाके भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी। सो गाइस, इसके बाद हम आ चुके थे महर्षि संदीपनी के आश्रम में,
जहाँ पे कृष्ण एंड सुदामा ने 64 दिनों के लिए 14 विद्याओं का पाठ किया था। और कहा जाता है कि ये आश्रम बहुत ही पुराना है। ये आश्रम में एक शिवलिंग भी पाया जाता है जिसे सर्वेश्वर लिंग कहते हैं, जहाँ पे अच्छे से देखने पर आपको लॉर्ड शिवा, पार्वती, गणेशा एंड कार्तिकेय का दर्शन भी होते हैं। सुदामा और कृष्ण ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और ये है 14 विद्याओं का कला तिरका। यहाँ पे आपको एक गैलरी मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अंदर आते ही आपको चारों तरफ एक अलग सा ही ऑरा दिखेगा और हर एक दीवार में, हर एक छोटी छोटी पिक्चर्स में एक स्टोरी है जो कि दिखाती है कि उन्होंने 14 विद्याओं का किस तरीके से पाठ किया था और वो कौन सी ऐसी 14 विद्याएं हैं जिनके बारे में कृष्ण और सुदामा ने यहाँ पे 64 दिनों के लिए पाठ किया था। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस ज़माने में भी हमारे इंडिया में ऐसे सब चीज़ों का वर्णन था। तो कहा जाता है कि हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस था उस ज़माने में भी, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्राउड मोमेंट लग रहा था मुझे अंदर खड़े होके। एंड ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ये सब विद्याज है जो कि कृष्ण भगवान सुदामा ने इस आश्रम में ली थी। तो ये सब विद्याओं का वर्णन सामने बोर्ड में किया हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। सो बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक वे में शो किया है और मतलब लगता है कि आश्रम में विद्या नहीं मिलती, लेकिन इन सब फोटोज़ को देखते समझ में आता है कि कितना एक तरीका था पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी चीज़ को अपनाने का। तो हेरिटेज किसी को भी देखना है तो ये कुंभ कृष्ण भगवान ने महर्षि संदीप जी के लिए प्रकट किया था। हरसिद्धि मंदिर मेरे सामने हरसिद्धि मंदिर ही है और आज पहला दिन है नवरात्र का। तो मतलब मैंने वीडियोस में इतना लाइटिंग वगैरह तो नहीं देखा, लेकिन आज मुझे लाइटिंग वगैरह भी दिख रही है। तो अंदर जाके देखते हैं, बहुत मेसमराइजिंग सा माहौल बना हुआ है। और अभी शायद से आरती शुरू होने वाली है, करीबन 7 बजने वाले हैं। तो 7 बजे यूजुअली आरती होती है, तो देखते हैं कि कैसा सीन है। और बाकी चलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस 51 फीट ऊंचे स्तंभ में 1011 दिए लगाए जाते हैं जो कि करीबन 60 लीटर ऑयल से भरे जाते हैं पहले, और उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 लोग चढ़ते हैं, इन 1011 दियों को प्रज्वलित करते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये कितने देर में जल जाएंगे पूरे दिए? अपना आंसर कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में, और तब तक आप देख लीजिए वीडियो कितनी देर में ये लोग जलाते हैं दिए।
सिद्धि माता का टेंपल 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेंपल है ये। और ये टेंपल में हमने दियों में तेल भी चढ़ाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम 10 मिनट पहले ही पहुँचे थे आरती के। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे एक साथ पहुँचे थे। ये महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति, ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट महाराजा विक्रमादित्य। बहुत बड़ी प्रतिमा है यार, उन्होंने लिखा हुआ है। और ये है 9 जेम्स ऑफ विक्रमादित्य कोर्ट, क्योंकि सांसद बैठते थे वहाँ पे हर रोज़, उनमें ये 9 लोगों का होना ज़रूरी है। ये 9 लोगों की राय ली जाती थी और इन लोगों के ओपिनियन सुनने के बाद विक्रमादित्य अपना स्टेटमेंट देते थे। तो एक बार बता देता हूँ कौन कौन रहते थे। बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, दंत हनुमंत्री, कालिदास, राम हरी, मरुचि, कटखपर, शपनक। लास्ट में लाइट्स वगैरह चालू नहीं है, नहीं तो इनके ऊपर लाइट्स से जो दिखते थे अभी कुछ इतना अच्छे से ग्लो नहीं कर रही है मूर्तियाँ। पे है अगर आप देखो तो वहाँ पे है हर सिद्धि मंदिर, यहाँ पे है महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, अभी नया प्रोजेक्ट चालू है, क्योंकि बहुत सुंदर है। मैंने दोपहर को भी बताया था, तो देखते हैं अगर एक्सप्लोर करना हुआ तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो गाइस ये था part 2 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। एंड part 3 देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड part 3 में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर है और बीच में से नदी भी जा रही है और बहुत ही एकदम सीनिक प्लेस है। तो part 3 देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माई चैनल।